मिसेस राठी, उस भाषा का नाम बताइए जो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। सर, विश्व में सबसे ज्यादा मैंडरिन चाइनीज भाषा बोली जाती है। नहीं मिसेस राठी, अक्सर इंटरव्यू के वक्त लोग घबराकर गलत जवाब दे देते हैं, लेकिन हम आपको एक मौका देना चाहते हैं आपकी गलती सुधारने का। पानी पी लीजिए और सोच समझ कर आराम से जवाब दीजिए। प्लीज आप पानी पीजिए। माफ़ कीजिएगा सर, पर मुझे नहीं लगता कि मेरा जवाब गलत है। मेरी जानकारी के हिसाब से विश्व में सबसे ज़्यादा मैंडरिन चाइनीज़ भाषा ही बोली जाती है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। मिसेस राठी, आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में जगतपुर में एक आतंकवादी हमला हुआ। सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए। कुछ लोग पॉलिटिशियंस को इसके लिए दोष देते हैं और फिर कुछ लोग हमारे पड़ोसी मुल्क को। हम आपकी राय जानना चाहते हैं, आपकी राय क्या है इसमें? सर, आपने जगतपुरा बोला ना? यस, जगतपुर। मैंने ऐसे किसी आतंकवादी हमले के बारे में ना तो सुना है ना पढ़ा है, जबकि मैंने हाल ही में हुई हर घटना के बारे में पढ़ा था। मिसेस राठी, केवल आपकी राय मांगी है इस घटना के ऊपर, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? सोचना इसलिए पड़ा मैम, क्योंकि मैंने इस ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं पढ़ा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है आपका जवाब सुनकर। आपको उस घटना के बारे में पता तक नहीं है, जिस घटना के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। हमें तो लगा ये सवाल बहुत ही आसान होगा आपके लिए। हर यूपीएससी कैंडिडेट को देश विदेश के बारे में सब जानकारी होती है। अब तो मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि आपने यूपीएससी की एग्जाम पास कैसे की। माफ कीजिएगा सर, मैंने भी देश विदेश की सारी जानकारी हासिल की है, मैंने सारी किताबें पढ़ी, लेकिन ये जगतपुरा में आतंकी हमले के बारे में ना तो मैंने कहीं पढ़ा है और ना ही मैंने ये सुना है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जेठानी जी ने जानबूझकर ताना के सारे गंदे कपड़े दिए। मोहित, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी गुड़िया को ऐसे गंदे कपड़े कभी भी नहीं पहनने दूंगी। समझती क्या है वो? अच्छा, इसलिए आज भाभों के सामने उन्होंने कपड़ों वाली बात निकाली, क्योंकि अगर आज मैंने अपनी गुड़िया को काना के कपड़े नहीं पहनाए तो वो भाभों के सामने जाकर बोल सकती है कि क्यों देवरानी जी, आपने अपनी बच्ची को काना के कपड़े क्यों नहीं पहनाए और उन्हें फिर से एक मौका मिल जाए मुझे बोलने का। हद होती है हर बात की। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि भाभों को किसी भी कीमत पे नाराज नहीं करना। दुकान की चाबी तो मिल गई है, लेकिन ये मत भूलना कि अभी पार्लर तुम्हारा चालू नहीं हुआ है। तो जो करना है सोच समझ के करना। आइडिया है, जैसे भाभू भी नाराज नहीं होंगी और मुझे मेरी गुड़िया को ये गंदे कपड़े भी नहीं पहनाने पड़ेंगे। मैं भाभू के सामने कह दूंगी कि काना के कपड़े बहुत बड़े हैं, इसलिए इसे मैं बाद में पहनाऊंगी। हाँ, यही कह दूंगी मैं भाभू को।
मिसेस राठी, मान लीजिए आपके सामने एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए, आपने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, एक सबसे बड़ा चोर है और दूसरा रिश्वतखोर पुलिस वाला, लेकिन किसी कारणवश कंडीशन ये है कि केवल आप एक को ही पकड़ कर रख सकती है और दूसरे को छोड़ना आपकी मजबूरी बन जाती है, तो बताइए कि आप किसे पकड़ेंगी और किसे छोड़ देंगी? सर देखिए, जरा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, समय की कोई पाबंदी नहीं। सर मैं उस रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर को पकड़ूंगी और चोर को छोड़ दूंगी। मतलब आप अपने साथी के साथ ही दगा करेंगे और साथ ही साथ अपनी ड्यूटी के साथ भी? ऐसे कैसे कर सकती हैं आप? मैम, सर, चोर या रिश्वतखोर ऑफिसर में से कौन ज्यादा गलत है? वो चोर जिसका काम ही है चोरी करना, कानून की तो उसको जानकारी ही नहीं है, ना ही उसकी आदत है कानून की इज्जत कर, और दूसरी तरफ है वो रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर जिसका ना केवल फर्ज है कानून की रक्षा करना, उसकी इज्जत करना भी है, जिसका फर्ज है गलत को सही करना। अगर वो खुद अपने फर्ज अपनी ड्यूटी से गद्दारी कर रहा है तो मेरे हिसाब से तो वो चोर से भी बड़ा अपराधी है। मेरे हिसाब से तो उसे पुलिस यूनिफॉर्म पहनने का भी कोई हक नहीं। मिसेस राठी, सिविल सर्विसेज हमारे देश में बहुत ही इज्जतदार और पावरफुल जॉब मानी जाती है, मानती है ना आप? जी सर, आप सही कह रहे हैं। अगर आप आईपीएस पुलिस ऑफिसर बन जाती है तो जरा सोचिए कि आपका रुतबा, आपकी पोजीशन क्या होगी, क्या ऐसे में आपके पति का हलवाई होना अजीब नहीं लगेगा? आप दोनों के रहन सहन, काम, रुतबा, इन दोनों में फर्क नहीं आया? संजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में आपके पति को हलवाई का यह काम छोड़ देना चाहिए? जी नहीं सर, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। जरा आराम से सोच के देखिए, महसूस करके देखिए उस सिचुएशन। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होने से कहीं ना कहीं आपको फायदा है? जी नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मेरी नौकरी की वजह से मेरे पति को अपने घर से पुराना काम छोड़ने की जरूरत है। वो अपने काम में बहुत ही मेहनती, बहुत ही माहिर है। आज उन्होंने अपने दम पर इतना बड़ा नाम बनाया, बल्कि मुझे तो उनकी पत्नी होने पर गर्व होता है। आज अगर वो नहीं होते, उनका सहयोग नहीं होता, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैं और मेरे पति एक दूसरे के विचारों की, एक दूसरे के काम की बहुत इज्जत करते हैं। बल्कि सूरज जी ने तो प्रतियोगिता जीत कर हमारे देश का नाम रोशन किया है। उनके सम्मान में पुष्कर के अंदर सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया था। खुद DSP साहब ने उनको सम्मानित किया था। मिसेस राठी, अब आप जा सकते हैं। जी, थैंक यू सर। सारे जवाब आते थे ना आपको? आते होंगे। सूरज जी, मैंने अपने सारे सवालों के जवाब पूरी ईमानदारी से दिए। क्या बात है? पर शायद उनको मेरे जवाब सही नहीं लगे। शायद वो, पता नहीं सूरज जी, समझ ही नहीं आ रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं। ओके।
कैसी बातें कर रहे हैं संध्या जी आप? इसमें भला ना समझने वाली क्या बात है? देखिए संध्या जी, मैं ज्यादा जानता तो नहीं, बस मैंने जितना देखा है ना, जितना सुना है, उसमें यही है कि सच्ची मेहनत और लगन कभी कभी हारती ना है, तो इसलिए आपको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिसेस राठी, एक मिनट। जी सर। सर ये मेरे पति हैं, सूरज राठी। मिसेस राठी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से इंटरव्यू में जवाब दिया है काफी सराहनीय है, एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड ऑन दैट। आपके जवाब में जो ईमानदारी, पति और उनके परिवार के प्रति जो मान और सम्मान है, ये काफी सराहनीय है। वैसे देखा जाए तो पत्नी और पति के बीच में तो प्यार होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में उनके परिवार के प्रति जो प्यार, मान और सम्मान है, ये काफी कम देखने को मिलता है। ये आपके व्यक्तित्व का एक खूबसूरत पहलू है, इसे कभी मत बदलना। जी सर। वैसे मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, जगतपुरा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, ये तो हम सिर्फ आपको परख रहे थे कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो आपके सामने तो आप क्या करेंगे, सच का साथ देंगे या फिर झूठ का। लेकिन मैंने पाया कि आपके मन का विश्वास आपने कभी नहीं छोड़ा। That's good. सच कहूं तो आप दोनों वाकई एक आदर्श जीवन साथी हैं। सर जी इसका मतलब आपको क्या लगता है कि मेरी पत्नी आईपीएस बन जाएगी ना? मिस्टर राठी, रिजल्ट आने के बाद इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। वैसे ये खबर आपको अखबारों में या फिर यूपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएगी। जी। वैसे जहां तक मेरा सवाल है, मैं जानता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है, इससे मैं काफी संतुष्ट हूं। हाँ, लेकिन बाकी पैनलिस्ट क्या फैसला लेते हैं ये उनके ऊपर है। मिसेस राठी, आपको तो पता ही होगा कि अगर आप सिलेक्ट हो जाती हैं तो अगले 11 महीनों के लिए आपको बाकी साथियों के साथ पुलिस कैंप में ट्रेनिंग में जाना होगा। I wish you all the best. Thank you, sir. मेरे पत्नी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ओके। आज संध्या मेदिनी का परिणाम आने वाला है, लेकिन अब तो कोई खबर को नहीं आई। मारे को दे। बाबू, एक अजीब सी घबराहट हो रही। जब 15 दिन पहले एग्जाम हो चुका है तो रिजल्ट भी तभी देना चाहिए ना। इतना लेट करते भाभी, डरा क्यों रही आप? नहीं छवि, मैं डरा थोड़े ना रही हूँ, मैं तो सच्चाई बता रही हूँ।
अगर गलती से भी ना चिट्ठानी चिप फेल हो गई, जेठ जी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब देखो वो परीक्षा तो पास कर ली, अगर इंटरव्यू ना पास कर पाई, जहां से चली थी वहीं खड़ी हो जावेंगी। मिट्टी मुट्टी की बातें मत कर, तू मिलता नहीं मिट्टी है, पर जब देखो मुंह से कुछ भी निकलती है, कुछ फालतू निकलती है। शांत नहीं रह सकती, कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तू भी जिंदगी में। चुपरा कर तू काली जवान, भाभी गई की पापा सा। भाभी ने आपने खुद देखा है, अच्छे खासे एग्जामों को पास किया है, हैं? अरे तो फिर ये क्या है, ये भी आराम से पास कर लेंगी। हाँ हाँ पास तो होएंगी ही। थोड़ा चेहरे पे स्माइल लाओ भाई, खुश हो जाओ, हो जाएंगी वो पास, चिंता वाली बात नहीं है। क्यों अपनी सुबह खराब कर रहे हो, अच्छा खासा चाय पियो, सैर वैर पे जाओ। ये लो चाय, चाय पियो, और मेरे लिए भी चाय लेके, अच्छा भी भाग के जा, बिस्किट भी लेके आ, जा ये लो चाय पियो, नमकीन भी लेके आइयो। देर लग रही है कनेक्शन जोड़ने में, आप जल्दी से अपने परिणाम वाला पन्ना खोलिए ना। सदस्य घबराइए मत, खोलिए ना, अभी खुल जाएगा जी। सूरज जी परिणाम भेजा गया, पेज पर तो मेरा नाम नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।